मुथूत फाइनेंस की भाई बात कर लेते हैं, ये भी देखो वन ऑफ द बढ़िया स्टॉक है फाइनेंस का। एनबीएफसी में देखोगे रिजल्ट भी इसके अच्छे थे, मुझे देखो मुथूत फाइनेंस काफ़ी पसंद है। एनबीएफसी में बात करोगे तो बजाज फाइनेंस और मुथूत फाइनेंस मेरे भाई पसंदीदा स्टॉक हैं। मुथूत फाइनेंस पास्ट में भी भाई इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, ऑल दो गोल्ड फाइनेंस में आपको मन्नापुरम भी दिखता है, मन्नापुरम भी ठीक है, पर मुथूत फाइनेंस मुझे भाई गोल्ड फाइनेंस का लीडर दिखता है, मुझे काफ़ी पसंद है। और मन्नापुरम भी हमने डिस्कस किया था 150 रुपये के आसपास जब गया था, अब तो वो 200 के आसपास क्रॉस कर गया है। और मुथूत फाइनेंस को भी हमने भाई 1150 के आसपास लपका था जब ये काफ़ी दिनों भाई इसी रेंज में घूमता रहा था। बढ़िया है भाई स्टॉक, अच्छे उसके बाद काफ़ी रैली दिखाई स्टॉक ने पिछले जो रिजल्ट आए थे उसके बाद, और रिजल्ट इस बार भी ठीक है लेकिन वही गिरावट आई है तो अच्छी बात है। गिरावट हो जाए तो भाई हम तो सोच रहे हैं गिरावट हो तो भाई हमारे बाइंग लेवल के आसपास आए, तो अब 1100 भाई बाइंग लेवल 1150 वाले के आसपास तो आने से रहा। हम अभी नए बाइंग लेवल डिस्कस करेंगे और ऊपर के प्राइस फंसे हो तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं RSI 32 की हो गई है तो वीक हो गई है, यहाँ भी देखोगे तो सेल सिग्नल बन गया है, तो गिरावट होती है इसमें तो बढ़िया एक मौका मिल सकता है। तो एक जो डिप लगाई जा सकती है वो यहाँ पर लगा सकते हो, एक आप यहाँ पर 1400 रुपये के आसपास एक डिप लगाई जा सकती है, और 1400 नीचे थोड़ा सा भाई इसका आता है 1400 के आसपास ही 200 DMA भी आता है, तो इसी के आसपास यहाँ पे 1400 रुपये के आसपास बढ़िया एक डिप लगाई जा सकती है। अगर आता है किसी गिरावट में 1497 चल रहा है तो 1400 रुपये के आसपास एक डिप लगा सकते हो, और ऐसा नहीं कि एक डिप लगाने का मतलब है कि यहाँ पूरा पैसा लगा दो एक डिप में ही, हमेशा भाई नीचे के प्राइस में सोच के चलना है। अगर किसी भी भाई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से किसी भी कुछ भी ऐसा हो जाए कंपनी में उसकी वजह से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना है कि वहाँ पर मैं और स्टॉक खरीदूँगा, स्टॉक अच्छा है बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि 1400 पे मैंने भाई डिप लगाई पहली उसके बाद नीचे चला गया मैंने बस पैनिक में सेल कर दिए बस अब मैं भाई स्टॉक बेकार हो गया, तो ऐसा नहीं है। स्टॉक में व्यू बनाना है अपना, स्टॉक अच्छा है तो भाई अच्छा है चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए। कई सारे स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, FL हो गया नीचे गया था लेकिन फिर भी पैनिक नहीं किया क्योंकि भाई अच्छा स्टॉक है आ जाएगा ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके का व्यू बनाना है अपने आपको स्टॉक में, और अच्छे प्राइस पे मिलोगे तभी अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे। और शॉर्ट टर्म चाहो तो शॉर्ट टर्म कर सकते हो और लॉन्ग टर्म चाहो लॉन्ग टर्म कर सकते हो, स्टॉक में कोई मुझे खराबी दिखती नहीं है। ये भी मेरा पसंदीदा स्टॉक है और मेरे भाई पोर्टफोलियो का स्टॉक है, रिटर्न इसके भी बड़ी शानदार रिटर्न है इसके अगर देखोगे तो। व्यू मैंने देखो अपना डिस्कस कर दिया है स्टॉक पे क्या है मेरा, और ऊपर के प्राइस फंसे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है घबरा जाओ कि सेल कर दूं कुछ नहीं, ठीक है टाइम लग जाएगा बस यही है, मैंने पहले भी बताया है कई बार कई वीडियो में टाइम लग सकता है पर ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि आइडिया की तरह भाई नीचे चला गया तो फिर वो चला जाता ही रहेगा, या मतलब कुछ स्टॉक्स जो होते हैं अपर सर्किट लोअर सर्किट में जिनका कोई मतलब फंडामेंटली नहीं है, जिनके कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं है और केवल स्टॉक का प्राइस बढ़ते चला जा रहा है, तो उस तरीके का स्टॉक नहीं है, अच्छे फंडामेंटल हैं, अच्छे फाइनेंशियल हैं, अच्छी इसकी ग्रोथ है और आने वाले टाइम में भी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। तो ठीक है कर लेना जो मैंने बताया, नहीं भाई आपकी मर्जी है आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं अपना एक व्यू बना सकते हैं, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।